स्वागत है आप लोगों का बी एन इंस्टीट्यूट चैनल में। और आज हम टॉपिक बताने जा रहे हैं, वो है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का पट्टे द्वारा पारेषित शक्ति पे प्रभाव, मीन्स सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का पावर ट्रांसमिशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे बेल्ट ड्राइव दिखाया गया है जिसमें ये ड्राइवर पुल्ली है और ये ड्रिवन पुल्ली है। इसमें पट्टा लिपट के चलता है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। ये है ढीले पक्ष का तनाव T2 और ये है टाइट साइड मीन्स खींचे पक्ष का तनाव T1। जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन वर्क करेगा तो मैंने आपको बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन T1 और T2 में ऐड हो जाता है। मीन्स जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को हम कंसीडर करेंगे, मीन्स पट्टे का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा T2 प्लस TC और ये T1 की जगह हो जाएगा T1 प्लस TC, वेयर TC इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। TC इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। अब पावर ट्रांसमिशन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, हम जानते हैं पट्टे द्वारा पारेषित शक्ति का जो मान होता है वो होता है, वो वैल्यू होता है P इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V, वेयर T1 माइनस T2 क्या है, प्रभावी फोर्स, प्रभावी बल जो पट्टे के थ्रू लग रहा है। वी नो पावर ट्रांसमिशन मिशन बाई बेल्ट P इज इक्वल टू हो जाता है T1 माइनस T2 इंटू बी। बी क्या है, यहाँ पे पट्टे का लीनियर वेलोसिटी और T1 माइनस T2 है प्रभावी बल जो पट्टे के थ्रू पुल्ली पे लग रहा है। अब यहाँ पे T1 T2 की वैल्यू यहाँ से पता है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन हम कंसीडर कर रहे हैं, तो P इक्वल टू हो जाएगा, T1 की वैल्यू रखेंगे तो T1 प्लस TC और T2 की वैल्यू रखेंगे तो T2 प्लस TC इंटू V। P इक्वल टू हो जाएगा T1 प्लस TC माइनस T2 माइनस TC इंटू वी। TC कैंसिल हो जाएगा, P की वैल्यू आ जाएगा T1 माइनस T2 इंटू वी। कहने का ये मतलब है कि फार्मूला वही आ जाता है जो स्टार्टिंग हमने लिया था, पावर ट्रांसमिशन बाई बेल्ट इक्वल टू हो जाएगा T1 माइनस T2 इंटू वी। यहाँ पे भी वही फार्मूला आ गया, पावर ट्रांसमिशन बाई बेल्ट P इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू वी। इसका मतलब जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन हम कंसीडर करेंगे तो इसका पावर ट्रांसमिशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे TC क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है और फार्मूला सेम वही फाइंड आउट हो जाता है, P इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू वी। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपने मित्रों में भी ये वीडियो शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।